अली भाई जल्दी जाओ, ऊपर खड़े हो अली भाई, खड़का दे सुप्रीम कोर्ट के सामने रहने दे रहे हैं। पाकिस्तान इंसाफ इमरान खान आ रहा है और मैं ये कहूंगी कि आज इस सुप्रीम कोर्ट में जो इंसाफ हुआ है और इमरान खान की ना मौजूदगी नहीं बल्कि एक एक लफ्ज जो सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, और ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को मिली। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लम मुबारक अला सय्यदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, आप सब से दरख्वास्त है कि दो रकात शुक्राने की अदा करें। आमीन। एक बहुत बड़ी जीत हुई है, इसी तरह एक जुमे को इमरान खान साहब को अल्लाह ने बहुत बड़ी जीत थी। जब 2016 में पनामा का केस शुरू हुआ और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें जीत थी, और एक और बहुत बड़ी जीत हमें इस वजह से मिली है कि इमरान खान खड़ा रहा है, उसका कारकुन खड़ा रहा है और अपना हौसला नहीं हारा। मैं ख़ासकर इस मौके पे हमारी ख़वातीन मेंबरान कंवल शोजब साहिबा और उनके साथ जितनी हमारी वुमेन विंग की वर्कर्स हैं, नादिया खटक बीबी भी खड़ी हैं, मैं उनको स्पेशल अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने ऐसा एक मुकदमा नहीं देखा, मैंने ऐसी एक तारीख एक पेशी नहीं देखी जिस पे ये हमारी छोटी बहन मौजूद नहीं होती थी। साथ में वकला जिस जानबशानी से इन्होंने काम किया है, अपना एक एक कौमी फरीजा समझ के सलमान राजा साथ खड़े हैं, ये नियाजुल्लाह नियाजी साहब खड़े हैं, बैरिस्टर गौहर, तमाम हमारे लीडरशिप सरदार खोसा यहाँ पे खड़े हैं, सब ने अपना किरदार अदा किया है, स्पेशली ILF। और आज आप सबको आईन की ये जीत मुबारक हो। और आज फिर प्रिजन वैन आए थे, आज फिर प्रिजन वैन खड़ी थी, ये प्रिजन वैन मंगाने का सिलसिला बंद करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे बड़े बड़े ट्रक लाने का सिलसिला बंद करो, ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, यहाँ आईन की हुक्मरानी होगी। इस मुल्क को काले कोर्ट ने बनाया था, इस मुल्क को एक वकील ने बनाया था, एक सियासी कारकुन ने बनाया था, और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि सब लोग अपना अपना काम करेंगे, पॉलिसी सिविलियंस बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट हमारे इदारे करेंगे। आज आईन की जीत हुई है। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए ये बात की थी कि मैं उम्मीद रखता हूँ एक ऐसा फैसला आएगा जिससे आईने पाकिस्तान की जीत होगी, जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आज वही हुआ है, लेकिन ये काम अभी अधूरा है, ये काम अभी अधूरा है, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। असल काम जो है, मैं आज काजी फायद इस हिसाब से कहना चाहता हूँ, आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पड़ी है 184(3) की, आप वो पिटीशन लगाएं और इस इलेक्शन का ऑडिट करें, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ये आधा काम हुआ है, आधी कामयाबी है, हमें हमारा पूरा मैंडेट और हमारा लीडर बार चाहिए। 25 करोड़ अवाम को इमरान खान बार चाहिए, 25 करोड़ अवाम को इमरान खान पार्लियामेंट में चाहिए, 25 करोड़ अवाम का हक है कि उनका लीडर उनको लीड करे। जब लीडर बाहर निकलेगा, कौम के तमाम मसाइल हल होंगे। एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को जुमातुल मुबारक के इस मुबारक दिन हक की जीत मुबारक हो। जो 9 अप्रैल की रात इस मलंग के मुंह से अल्लाह ने निकलवाया था कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए, बातिल आज एक बार फिर मिटा है, हर बार मिटेगा। ये मुहर्रम का महीना है, और मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ इमरान खान के साथ हुसैन के इनकार की तरह। इमरान खान जिंदाबाद।